और इस देश का संविधान अगर इस देश से खत्म हो गया, न हिंदू बच सकता है, न कोई मुसलमान बच सकता है, न कोई आदिवासी बच सकता है, न कोई सिख बच सकता है, न कोई दलित बच सकता है। इसलिए इस देश को बचाना है तो हमें संविधान को भी बचाना। ऊपर बात रख रहे हैं, धरना आंदोलन कर रहे हैं, किसी के इंसाफ की से उम्मीद लगा रहे हैं, तो वो संविधान की बदौलत है। मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच में ऐसे किताबें फैलाई गई है जिसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि वो जहनीयत को खराब कर रही है। अगर से कोई आतंकवादी बम डालता है तो 10 लोगों का कत्ल होता है, 10 लोगों की मौत होती है। लेकिन जो विचारधारा, जो कट्टरपंथी विचारधारा, जो रेडिकल विचारधारा हमारे देश के अंदर फैलाई जा रही है, पूरे समाज के कत्ल करने के बराबर है। मेरे दोस्तों, आज हिंदू मुस्लिम की बात होती है, मुझे बताइए रामायण के अंदर जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, हिंदू मुसलमान के दुश्मनी का जिक्र कहा है? रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी ने हिंदू मुसलमान का जिक्र कहा किया है? चारों वेद की व्याख्या करने वाले व्यास ने कहा लिखा है? जिस विचारों पर शिवाजी महाराजों के विचारों पर हम चलते हैं, हम संभाजी महाराज के विचारों पर चलते हैं, हम टीपू सुल्तान के विचारों पर चलते हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान और रेडिकल विचारधारक नहीं लिखी है, क्योंकि इनको समाज को बचाना था, देश को बचाना था, इस देश के दलितों को बचाना था, इस देश के पिछड़ों को बचाना था, इस देश के आदिवासियों को बचाना था। इसलिए इन्होंने ये सब लिखकर गए हैं, क्योंकि विचारधारा ही हमारा देश बदल सकती है, हमारे विचार बदल सकती है, हमारे जहनों की फिक्र बदल सकती। मनुवाद से आजादी, ब्राह्मण्यवाद से आजादी, ब्राह्मण्यवाद से आजादी, भगवा आतंकवाद से आजादी, भगवा आतंकवाद से आजादी, झूठे अश्वसित वादों से आजादी, नकली मीडिया से आजादी, नकली मीडिया से आजादी, इवेंट करने वाले पाखंडियों से आजादी, इवेंट करने वाले पाखंडियों से आजादी, सिलेंडर आंटी से आजादी, सिलेंडर आंटी से आजादी, चाटुकार जमाखोरों से आजादी, चाटुकार जमाखोरों से आजादी, आरक्षण खत्म करने वालों से आजादी, आरक्षण खत्म करने वालों से आजादी, ओबीसी जनगणना न करने वालों से आजादी, काला धन वापस न लाने वालों से आजादी, महंगाई रोकने में नाकामयाब सरकार से आजादी, 2 करोड़ रोजगार न देने वाली सरकार से आजादी, जुमलेबाज सरकार से आजादी, भारतीय जल जंगल जमीन भांडवलदार अडानी को बेचने वालों से आजादी, भारतीय जल जंगल जमीन भांडवलदार अडानी को बेचने वाली सरकार से आजादी, बैकलॉग न भरने वाली सरकार से आजादी, संघी आतंकवाद से आजादी, हिंसा दुराचार नफरत करने वालों से आजादी, हिंसा दुराचार नफरत करने वालों से आजादी, स्वार्थी भांडवलदारों से आजादी, भारत का अमन चैन खत्म करने वालों से आजादी, भारतीय संविधान को क्षति पहुंचाने वालों से आजादी, भारतीय संविधान को क्षति पहुंचाने वालों से आजादी, भारतीय संविधान का अमल न करने वालों से आजादी, खाजगीकरण करने वालों से आजादी, रोजगार खत्म करने वालों से आजादी, संवैधानिक हक और अधिकार छीनने वालों से आजादी, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। क्या कहना चाहेंगे जो धरना प्रदर्शन रखा गया था इसके बारे में? धरना प्रदर्शन तो रखा गया, लेकिन इसमें पब्लिक बहुत कम आई है। मेरे हिसाब से इतनी तादाद हजारों की तादाद में होना चाहिए था, लेकिन ये 100 भी नहीं हो पाए। क्यों तो क्यों कम? बहुत बड़ा अफसोस है कि इसके लिए कौम को बेदारी फैलाना बहुत जरूरी है। और जो कौम के अंदर में जो उलेमा जो लोग हैं, जिन्होंने बैकफुट पे बैठे अभी, वो उलेमा लोग आगे नहीं आ रहे मस्जिदों के अंदर में, अगर ऐलान नहीं हुआ उसके लिए। आपने आज जिस मस्जिद में नमाज पढ़ा, क्या वहाँ पे इस धरना प्रदर्शन का ऐलान हुआ? नहीं, तो उन तक ये मैसेज ही नहीं पहुँचाना। एक टीम अगर काम करेंगी सब तक मैसेज पहुँचाने के लिए कि भैया ये चीज़ के लिए काम हो रहा है, आप राजनीतिक पार्टी को मत गिनो, आप कौम के लिए आओ आगे, आप राजनीतिक पार्टी को साइड में कर दो, लेकिन जो कौम के लिए तो कम से कम आवाज़ उठा। अगर लोग ऐसी कम उतरेंगे तो जो पावर जो है वो नहीं बन पाएगा, उतना काम नहीं हो पाएंगे। और आजकल ये जो बेफ झिझक बिना डरे मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लग रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग गिरफ्तार भी नहीं हो रहे, इनके बारे में क्या कहेंगे?
इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि ये जो प्लानिंग है कई जमाने से चालू है, अपने मुसलमानों को नहीं पता, बाकी पूरी दुनिया को पता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ क्या चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर में। ये आज से नहीं है, कई जमाने से चल रहा है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अपने को पूरे इतिहास में मिल जाएंगे। 1947 के बाद में आप कई जगह पर ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे मुसलमानों के खिलाफ बहुत कुछ हुआ है इंडिया के अंदर में। उसके बाद में भी अगर हम बेदार नहीं हो पा रहे या उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे तो ये हमारी बहुत बड़ी मतलब ये समझूंगा कि मैं बहुत बड़ी गलती है। और आगे जाके आज जो हम लोग यहाँ सेफ खड़े तो हम लोगों के साथ में भी कुछ ना कुछ हो सकता है और हमारी फैमिली के साथ में भी ये घटना घट सकती है। नूह में आपने देखा क्या हुआ, मेवात में देखा आपने क्या हुआ, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए। ये कैसा है, अभी तो ये एक्शन ले नहीं रहे है ना, ये उल्टा रिएक्शन नहीं दे रहे। आज बोल भाई बोलो भाई, बुलडोजर बाजी पे क्या कहेंगे ये तो सर? ये पूरा मतलब ये मैं इसके लिए तो ये बोलूँगा कि पूरा मतलब पूरा सेटअप करके दिया जा रहा है काम, ये पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग हो रही है। उसके बाद में ये काम किया जा रहा है कि ये फला फला आदमी कितने से टाइम में यहाँ जाएगा, उसके घर में ये चीज़ होंगी, उसके अंदर पुलिस पहुँचेंगी, यानी ये सब पूरा प्री प्लान आइटम है। तो इसके लिए तो ये है कि जो अभी ये धरना प्रदर्शन हुआ है कि गवर्नमेंट बदलना पड़ेगा और इन लोगों की जो मानसिकता है इससे लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए लोगों की ज़रूरत है, लोगों को जुड़ना पड़ेगा, तंजीमों से जुड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी तंजीमों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। एक चीज़ एक ही सुर में मैंने बोलना पड़ेगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत है। लोग हैं दलित हो गए, आदिवासी, OBC, NT जो भी है, मतलब जो मतलब जिनके नाम भी नहीं आते वो उनको भी आगे आना पड़ेगा।